हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग व्यक्तित्व में जानने वाले हैं करसन दास मूल जी के बारे में। आइए जानते हैं इनके जीवन से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में। करसन दास मूल जी का जन्म 25 जुलाई 1832 ईस्वी को गुजरात में हुआ था। करसन दास मूल जी गुजराती भाषा के पत्रकार, लेखक और भारत के एक समाज सुधारक हुए। पश्चिमी भारत की एक व्यापारिक जाति में इनका जन्म हुआ था। विधवा पुनर्विवाह पर उनके विचारों के कारण उनके परिवार ने उन्हें अस्वीकार कर दिया था। करसन दास मूल जी स्थानीय भाषा के स्कूल मास्टर बन गए और गुजराती में एक साप्ताहिक सत्य प्रकाश शुरू किया। इसमें उन्होंने महाराजाओं या पुष्टि मार्ग वैष्णववाद के वंशानुगत उच्च पुजारियों की अनैतिकता पर हमला किया। इसके फलस्वरूप 1862 में बंबई के उच्च न्यायालय में उनके खिलाफ मानहानि का मुकदमा चलाया गया, जो महाराज लेबल केस के नाम से जाना जाता है। गुजराती लेखक और पत्रकार सौरभ शाह ने इस पूरे मामले पर आधारित महाराज नामक एक उपन्यास लिखा है। इस उपन्यास को नर्मद साहित्य सभा द्वारा नंद शंकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इस केस में फैसला 22 अप्रैल 1862 को करसन दास मूल जी के पक्ष में दिया गया। करसन जी के प्रयासों और अदालत के फैसले को उदारवादियों और प्रेस ने सराहा। मूल जी को ईसाई सुधारक मार्टिन लूथर के बाद स्थानीय अंग्रेजी प्रेस द्वारा इंडियन लूथर के रूप में उद्धृत किया गया। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा इसके बारे में ज़रूर बताइए। थैंक यू सो मच। और वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।